श्री राम पर गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। भगवान श्री राम को अपशब्द कहने व अनर्गल कमेंट्स करने वाले के विरुद्ध एक हुए राम भगत पहुंचे थाने। मामला नसरुल्लागंज थाना अंतर्गत है, जहां पर सोशल मीडिया के फेसबुक पर भगवान श्री राम की पोस्ट पर अनर्गल टिप्पणी कर असामाजिक तत्वों ने हिंदू समाज की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। भगवान श्री राम पर गलत टिप्पणी कर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मयंक यादव, रावण एवं समीर खान द्वारा भगवान श्री राम पर अनर्गल टिप्पणी की गई, जिसके विरुद्ध नसरुल्लागंज क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा थाना पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए व थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और कहा गया कि उक्त घटना से हमारी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचती है, इसलिए उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ये एक समीर खान है और एक मयंक यादव करके एक दो असामाजिक तत्वों ने समग्र हिंदू समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिसका पूरा हिंदू समाज आज विरोध करने के लिए यहाँ नसरुल्लागंज में ज्ञापन देने आया और माननीय टीआई साहब से ये निवेदन किया कि अगले दो दिन में कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। तो और आने वाले समय में ऐसी कोई गलती आपको टिप्पणी कैसी का मतलब किस उस पे करी है? राम को उन्होंने मतलब सीधी सीधी अभद्र टिप्पणी, मतलब जिसको अपन गाली कह सकते हैं, उसके बाद में और भी अय्यासी जैसे शब्दों का भी वहाँ उपयोग किया गया है, जो पूरे हिंदू धर्म के लिए हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसे एक कोई यादव और एक समीर खान जैसे दो असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे आस्था के केंद्र श्री राम के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी को पूरा समग्र हिंदू समाज कभी भी सहन नहीं करेगा। टिप्पणी किस पोर्टल पे की गई? टिप्पणी फेसबुक पर की गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट किए गए हैं। एवं कार्यवाही न होने की दशा में हिंदू समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा, यहाँ पुलिस को चेतावनी दी गई। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट।